वेलकम बैक टू जॉय शेविंग चैनल। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, और आज हम यूज करेंगे अगेन सनराइज ब्लिस शेविंग सोप फ्रॉम द हाउस ऑफ पर्ल शेविंग और पर्ल शेविंग K2 शॉर्ट हैंडल के साथ में, लेकिन जिलेट 7 o'clock सुपर प्लेटिनम ब्लेड के साथ में, विच इज द बैलेंस ऑफ शार्पनेस एंड स्मूथनेस। वेदर के साथ में हमने यूज किया था K2 और बॉम्बे शेविंग कंपनी रेजर को कंपेयर किया था। वीडियो नहीं देखा तो मैं टॉप में लिंक दे दूंगा, आप जरूर देखें। आज हम यूज करेंगे K2 को जिलेट 7 o'clock सुपर प्लेटिनम ब्लेड के साथ में। आइए शेव शुरू करते हैं। आज मैं यूज करूंगा दोस्तों बोल लादरिंग प्रोसेस। ओके, सो मेरे डियर फ्रेंड श्री चौहान साहब ने मुझे बोल दिया था, वेरी नाइस स्टील बोल, एंड मैंने इसका स्टिकर भी नहीं निकाला है, जस्ट फॉर कीपिंग इट एज इट इज। ओके, तो इसमें बोल लादरिंग करेंगे, यूज करेंगे सनराइज ब्लिस शेविंग सोप पर्ल शेविंग का, एंड ब्रश यूज करेंगे हम जॉय एडिशन शेविंग ब्रश फ्रॉम द हाउस ऑफ रुबाब मैन। ओके, तो सबसे पहले जो है वो मैं इस शेविंग सोप को ओपन कर लेता हूं, जो इस तरीके का है, विच इज लाइक अ टाइट क्रोप। थोड़ा सा मैं ब्रश को भिगो लेता हूं पानी में। ओके, एंड लेट मी कलेक्ट सम सड्स। इस सोप की मजेदार बात यह है कि पक से बहुत ज्यादा खुशबू नहीं आती, एक हल्की सी ट्रेस लाइक खुशबू आती है, लेकिन जैसे ही आप लादर बिल्ड करना शुरू करो वो धीरे धीरे एक सटल सी एक्वाटिक कलोनी काइंड ऑफ खुशबू मिलने लगती है, विच इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग मिस्टीरियस काइंड ऑफ फिनोमिना विच हैपन्स। इट हैपन्स विच सम ऑफ द शेविंग सोप। ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा जो सट्स है वो मैं अप्लाई कर लेता हूँ। ओके, यूज करने वाला हूँ दोस्तों आने वाले वीडियोज में मैं एक सीक्रेट प्री शेव सेरम, आज नहीं यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैं बता लेता हूँ मैंने यूज किया आज पर्ल शेविंग का ये नीम एंड तुलसी फेस वॉश, विच इज लाइक अ जेल कंसिस्टेंसी। ओके, वेरी नाइस। इसमें ये छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स है विच आर वेरी गुड फॉर माइल्ड एक्सफोलिएशन, सो यू डोंट नीड टू रब योर फेस विद क्ले वगैरह एक्सेट्रा बेस्ड फेस क्लेंजर्स, यू कैन यूज दिस वेरी वेल, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेरे लिए, मैं काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ इसको रेगुलरली। ओके, सो बोल ब्रश और सट्स हमारे रेडी हो गए, अब हम चालू कर लेते हैं हमारा बोल लादरिंग प्रोसेस। थोड़ा सा प्रेस करके और थोड़ा सा इस तरीके से व्हिप करके, थोड़ा सा प्रेस करके, थोड़ा सा व्हिप करके, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि भाई अगर आप रेगुलर शेविंग करते हो, डेली शेविंग या एक दिन छोड़ के शेविंग, तो उस केस में बोल लादरिंग जो है वो ज्यादा फायदेमंद होगी, बिकॉज आपको उतना एक्सफोलिएशन नहीं चाहिए होता ब्रश वगैरह से अगर आप अपने चेहरे को रब करते हो तो, यू इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू डू दैट ऑल द टाइम। और स्क्रब के मामले में जैसे मैंने आपको बताया, मैंने जितना पढ़ा, जितना जाना और जितना खुद के एक्सपीरियंस से सीखा कि स्क्रब करना है जो है दोस्तों वो रेगुलर बेसिस पे नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्क्रबिंग एक्चुअली टेक्स ऑफ सम ऑफ द टॉप लेयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज डेड स्किन और जो थोड़ी डर्ट वगैरह बैठी रहती है उसको वो रिमूव करती है। ओके, अभी तक इस तरीके का लादर बना। ओके, मैं और सोप लेके और पानी लेके और वेपअप करके बहुत ज्यादा लादर ले सकता हूँ, बट मेरी बियर्ड ग्रोथ जो है वो इट इज जस्ट 1.5 days, नॉट इवन 2 days, एंड आई थिंक दिस मच लादर शुड बी इनफ। ओके, तो थोड़ा सा पानी अप्लाई करता हूँ चेहरे पे वापस से, जस्ट सम, रिंस भी नहीं करूंगा, सिर्फ ऐसे कुछ ड्रॉपलेट्स लगा लूंगा और इससे पेंटिंग मोशन से जो है वो लादर अपने चेहरे पे ऐड कर लेता हूं। काफी वीडियोस में मैंने देखा कि बहुत ज्यादा सोप लेके बहुत ज्यादा लादर बनाओ और फिर एकदम मोटा लादर दिखाओ और फिर बताओ क्या क्या फ्लफी लादर बना, ये हुआ वो हुआ। डेफिनेटली इफ यू वॉन्ट टू डू दैट वे इट इज योर चॉइस, बट मुझे ऐसा लगता है दैट इज नथिंग बट लादर वेस्टेज, बिकॉज उतना लादर की जरूरत आपको होती नहीं है अगर आप रेगुलर शेविंग करते हो। जितना लादर आपको चाहिए उतना लादर आप जनरेट कीजिए सोप से, जितना सोप रिक्वायर्ड है उतना ही लीजिए,
अदरवाइज आपके सोप हो जाएंगे खत्म जल्दी, और फिर हम कहेंगे कि भाई अरे ये सोप तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। सोप जल्दी खत्म नहीं होता दोस्तों, हम सोप को जल्दी से खत्म कर देते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस। ओके, थोड़ा सा पानी मैंने ऐड किया है जस्ट टू रिड्यूस द पेस्टीनेस, बट फिर भी इसमें हल्की सी पेस्टीनेस मौजूद है विच शुड बी सफिशियंट फॉर मी। ऑलराइट, लेट्स बिगिन द शेव। हाथ गीले होने के बावजूद भी K2 में ग्रिप बनाने में कोई परेशानी नहीं है। इसमें यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन और एनग्रेवमेंट किया गया है कि यहाँ पे ग्रिप अच्छे से बन जाती है। इसका टॉप जो है हैंडल का, वो थोड़ा स्मूथ है, वो थोड़ा आपको हल्का सा स्लिपरी लग सकता है, मुझे भी लगता है, बट बिकॉज ऑफ दिस पार्ट हियर, ओके, द ग्रिप फॉर्म्स वेरी नाइसली एंड फर्म। चलिए कर लेते हैं फर्स्ट पास विद द ग्रीन, बट पहले एक रिचुअल। ऑलराइट, फाइनली फर्स्ट पास विद द ग्रीन, K2 विद 7 o'clock सुपर प्लैटिनम फ्रॉम जिलेट। दिस इज वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट। बहुत बढ़िया, नो इरिटेशन, नो टगिंग, नो पुलिंग, जस्ट अ स्मूथ कट एंड स्मूथ शेव। अगर आपको लगता है कि आपको फ्रेश एज चाहिए तो आपको रिंस करना पड़ेगा अपनी रेजर को बार बार, और लेने पड़ेंगे यस, छोटे छोटे स्ट्रोक्स, नॉट लंबे लंबे स्ट्रोक्स। अगेंस्ट द ग्रीन आप जब पास नंबर 2 या 3 में अगर करते हैं तब आप लीजिए लंबे लंबे स्ट्रोक्स, स्पेशली ऑन द नेक, बिकॉज यू डोंट वांट टू कीप शॉर्ट स्ट्रोक हियर, अदरवाइज कट या इरिटेशन होने के चांसेस होते हैं। अगेंस्ट द ग्रेन में आप लंबे लंबे स्ट्रोक्स लेने का ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज उसमें हेयर की ग्रोथ ऑलरेडी काफी रिड्यूस हो चुकी होती है इन पास नंबर 1 और 2 फॉर दैट मैटर। बट पास नंबर 1 में हमेशा मैंने ऑब्जर्व किया है कि मुझे तो छोटे छोटे स्ट्रोक्स लेने से फायदा हुआ है राधर देन लंबे लंबे स्ट्रोक्स। छोटे छोटे स्ट्रोक्स लो, रिंस करो रेजर को, फ्रेश एज से शेव करो, ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। एज आई ऑलवेज से, अगर 1 पास विद द ग्रीन कर रहे हो डेली शेविंग में, विच आई रिकमेंड एज वेल, उसमें आप एक बेबी बॉटम स्मूथ शेव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसमें एक्सट्रीमली क्लोज शेव एक्सपेक्ट करना गलत होगा। गुड, अब इट चैलेंजिंग एरिया, चेन एरिया। नथिंग सरप्राइजिंग, इधर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। सो 1 पास विद द ग्रीन तो हो गया, बट आई स्टिल वॉन्ट टू डू सम टचअप्स। सो टचअप्स के लिए थोड़ा सा रील आदर करते हैं। टचअप्स इस एरिया में करना चाहता हूं मैं, जितना लादर ब्रश में है उतना ही, वापस बोल में भी नहीं गए हम। ओके, सो जस्ट इतने एरिया में थोड़ा सा टचअप कर लेते हैं। ऑलराइट, इफ यू फील दैट कुछ एरियाज में अक्रॉस द ग्रोथ ज्यादा अच्छी क्लीन शेव करता है, सो गो अहेड डू दैट, बट लिमिट दैट टू ओनली सम एरिया। जैसे मेरे केस में इधर इधर थोड़ा, अगर मैं इस तरीके से स्ट्रोक्स करता हूं तो आई ऑब्जर्व दैट द शेव इज स्लाइटली स्मूदर, बट इफ आई जस्ट नीड अ प्रेजेंटेबल शेव देन आई वुड डू 1 पास विथ द ग्रेन स्ट्रिक्टली, बिकॉज उसमें 12 से 14 घंटे तक जो है वो शेव मेंटेन रहती है, धीरे धीरे बाल आने लगते हैं। ऑफकोर्स बाल तो उगेंगे यार, बाल का काम ही है उगना, बाल तो उगेंगे, बट इट इज मेंटेन्ड, इट इज प्रेजेंटेबल एंड इट इज गुड फॉर मीटिंग्स एक्सेट्रा।
ऑलराइट रिंग्स कर लेते हैं और फिर बात करते हैं आगे। सो बिफोर जस्ट मूविंग टू द आफ्टर शेव सेक्शन, एक चीज मैंने ऑब्जर्व करी व्हाइल आई वाज रिंसिंग कि मेरे चेहरे पे अभी भी अच्छी खासी मॉइस्चर प्रेजेंट है, अच्छी खासी ग्लाइड और स्लिकनेस मुझे महसूस हो रही है। ओके, सो आई एट्रीब्यूट दिस टू टू थिंग्स, दैट इज शेविंग सोप एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पर्ल मैन नीम एंड तुलसी फेस वॉश। दिस इज वेरी 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 क्रिटिकल स्टेप इन शेविंग प्रोसेस और मैंने जो है ऑब्जर्व किया है कि ये नीम तुलसी फेस वॉश मेरे लिए काफी अच्छा रिजल्ट देता है। अगर समर सीजन होता दोस्तों तो आई वुड हैव स्टॉप्ड हियर, मुझे कोई मॉइस्चराइज वगैरह करने की जरूरत नहीं महसूस होती, बट क्योंकि ठंड का टाइम थोड़ा शुरू हो गया है, ओके विंटर्स हैव स्टार्टेड एंड आई थिंक इट कॉल्स फॉर सम एडिशनल मॉइस्चर, और अगर मॉइस्चर के साथ में अगर एंटीसेप्टिक इफेक्ट भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा, और वो अगर बजट में हो तो फिर भाई सोने के सुहागा पे के भी एक लेवल ऊपर हो जाता है, विच इज लाइक दिस बोरो प्लस सॉफ्ट आयुर्वेदिक एंटीसेप्टिक क्रीम। दे हैव नॉट स्पॉन्सर्ड मी, ओके दे डोंट इवन नीड टू स्पॉन्सर बिकॉज ये प्रोडक्ट ही बहुत अच्छा है, आप चाहे तो यूज करें, इट शुड बी अवेलेबल इन एनी नियर बाय स्टोर। आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द लिंक ऑफ दिस बिकॉज दिस शुड बी इजीली अवेलेबल एनीवेयर। ओके जी, तो मैंने महंगे महंगे नाइट क्रीम्स वगैरह यूज करना बंद कर दिया है और मैं भी बजट में जो अच्छे प्रोडक्ट्स है वो यूज कर रहा हूं। वीको टर्मरिक वेरी गुड ऑल अक्रॉस द ईयर, बट मुझे ऐसा लगता है कि यार वो समर्स में ज्यादा इफेक्टिव होता है। वॉट आई फाउंड आफ्टर रेगुलर यूज ऑफ दिस इज दैट दिस इज वेरी गुड फॉर विंटर्स, अगर बहुत ज्यादा हार्श विंटर्स हो जाते दोस्तों तो बोरो सॉफ्ट या बोरो प्लस आता ही है, वो आप अप्लाई कर सकते हो आप चाहो तो। निविया का एक मोटा वाला वो ब्लू कलर वाला आता है वो, सो इसमें तो मुझे मिनरल ऑयल जैसा कोई इंग्रेडिएंट मैं पढ़ नहीं पाया, ओके इसमें ऐसा कुछ मेंशन भी नहीं है। व्हाट दे हैव इज डीएमडीएम हाइडेंटोइन, ओके विच इज नॉट मिनरल ऑयल आई थिंक सो, बट अगर आपको कुछ लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करें, अपन उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च भी करेंगे। हाउएवर दिस इज वेरी गुड एंटीसेप्टिक एज वेल एज मॉइस्चराइजिंग, सो आई फील इन अ बजट दिस इज वेरी वेरी गुड आफ्टर शेव ऑप्शन। ऑलराइट दोस्तों, तो आज पर्ल शेविंग K2 रेजर का हम कंक्लूड करेंगे रिव्यू। जैसा मैंने आपको बताया रेगुलर शेविंग के लिए इट इज अ गुड ऑप्शन, इट इज माइल्ड बट इट इज एफिशिएंट। अगर आपकी दाढ़ी कड़क है, बाल मोटे आते हैं, घनी दाढ़ी आती है और फिर भी आपको रेगुलर शेविंग करना पड़ती है, स्मूथ माइल्ड रेजर से आपका काम नहीं होता, तो इन दैट केस यू मे वॉन्ट टू ट्राई पर्ल शेविंग K2 विथ द ब्लेड ऑफ योर चॉइस। मेरे को आज जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम में थोड़ा एक्स्ट्रा स्मूथनेस महसूस हुआ बिकॉज लास्ट टाइम तो हमने फेदर के साथ में यूज किया था विच इज अ सुपर शार्प ब्लेड और यूज नंबर 1 पे था, सो आई डिड फील दैट एक्स्ट्रा एफिशिएंसी फेदर का शार्पनेस और इसकी एफिशिएंसी, बट व्हेन आई यूज विद जिलेट 7 o'clock सुपर प्लैटिनम तो एफिशिएंसी तो मुझे रेजर की महसूस हुई लेकिन ब्लेड के स्मूथनेस के कारण थोड़ा सा मुझे बैलेंस्ड एक्सपीरियंस मिला इन द शेव। नाउ एज यू मे सी दिस इज नॉट अ BBS और वेरी क्लोज शेव, बट इन अ एवरीडे शेव दिस इज व्हाट आई एम फॉर एंड दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट, सो आई एम सेटिस्फाइड। दोस्तों अगर जरूरत नहीं है ना तो अपने चेहरे को बेफालतू में ब्लेड वगैरह से मत घीसो, ओके ये कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है कि कारपेंटर जैसे रंधा आप घुमाते रहो, नो डोंट डू दैट, रिस्पेक्ट योर स्किन। एज ऑलवेज थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग टुडे दोस्तों, कीप अप द गुड शेप, बाय बाय और नमस्कार।